जो राजनीतिक लाभ के लिए लोग धर्म का नाम लेते हैं या समाज का नाम लेते हैं या भाषा का नाम लेते हैं या जाति का नाम लेते हैं, वो देश की भलाई नहीं चाहते हैं। कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि केवल तोड़फाड़ से ही कोई आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उससे शायद नाम समाचार पत्र में आ जाता है, कुछ धूमधाम हो जाती है। लेकिन हमको धूमधाम चाहिए या हमको अपने देश को मजबूत बनाना है? हमको अपना नाम अखबार में लाना है या हमको अपने देश को चमकाना है? ये आज आप सबको चुनना है। और मुझे विश्वास है कि जैसे बच्चों ने और बड़ों ने आज़ादी की लड़ाई में और जब भी हमारे ऊपर हमला हुआ है उसका मजबूती से सामना किया है, आज वही शक्ति उनके भीतर है। आज जो भारत के प्राचीन मूल्य हैं उनको हमको मजबूत बनाना है। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। हमारे ऊपर एक ज़बरदस्त जिम्मेदारी है, अपने लिए नहीं लेकिन आते हुए लोगों के लिए। भारत कोई 5 साल 10 साल 100 साल जीने का देश नहीं है, हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। इसके लिए आज हमको अगर तत्काल में त्याग करना है भविष्य के लिए, उस त्याग के लिए, उस सेवा के लिए मैं आपको पुकार देती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हम और आप, कुछ भी हमारी विचारधारा हो, राजनीतिक मतभेद हो या दूसरे मतभेद हो, एक होके हम भारत की के सैनिक बने।